पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड चौथा टी20 ओवल के मुकाम पर खेला जाएगा और पाकिस्तान एक और नई मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच भी नहीं खेलता बारिश की वजह से तो सीरीज जो है वो सीधा साधा इंग्लैंड जो है वो आसानी से जीत जाएगा। और क्योंकि 1-0 से उनको बर्तरी हासिल है, एडजस्टन के मुकाम पर हुई भी पाकिस्तान को शिकस्त जो है उसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मौसम की भी बात करेंगे इस वीडियो में, आपने वीडियो को अंत तक देखना है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले दी ओवल ग्राउंड के स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों T20 मुकाबले यहां पर 18 दफा खेले गए हैं और वो टीम जिसने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है तो वो टोटल 10 मुकाबले जीती है, जबकि 7 मुकाबले जो है उस टीम ने जीते हैं जो कि उसको चेज करने के लिए गई है। तो पाकिस्तान के पास ओपन स्टैट्स है, पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो सीधा जनाब रन बनाए, बोर्ड पर बड़े रन लगाए और पाकिस्तान के पास ऐसा बॉलिंग अटैक मौजूद है जो कि किसी भी टीम को एक ही लम्हे में चटक पटक सकता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो रन लगाने की तरफ जाए, ना कि उसने जो है वो चेज करने की तरफ जाए। अगर हम इस ग्राउंड के हाईएस्ट स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर 211 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने स्कॉटलैंड के खिलाफ और जबरदस्त तरीके से जनाब ये मैच जीता था। तो यहाँ पर जो हाइएस्ट स्कोर है वो तकरीबन 211 है और अगर हाइएस्ट सक्सेस की बात करते हैं चेज करने के मामले में तो जनाब सबसे ज्यादा जो है चेज किया था यहां पर इंग्लैंड ने 175 रन जो है वो चेज किए थे और बड़े बेहतरीन तरीके से फतह हासिल की थी। अगर एवरेज स्कोर की भी मैं आपको बताता चलूं तो फर्स्ट इनिंग्स के 153 रन हैं इस ग्राउंड के और सेकंड इनिंग्स का अगर एवरेज स्कोर है तो जनाब 138 रन हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टैट आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि आपने टॉस जीतना है और पहले बैटिंग करने के लिए जाना है, बहादुरी का मुजाहरा करना है, क्योंकि ये चौथा ओडीआई लास्ट चौथा T20 जो है ये लास्ट T20 है वर्ल्ड कप से पहले और इसके बाद सीधा पाकिस्तान ने 31 को जनाब फ्लाई करना है वर्ल्ड कप के लिए जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है। तो पाकिस्तान के पास आखिरी चांस ये है कि इस मैच में अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करे और अगर कॉम्बिनेशन वर्क करता है तो उसी कॉम्बिनेशन को लेकर वर्ल्ड कप के लिए जनाब अपने सफर का आगाज किया जाए। मौसम की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं तो मौसम खासा क्लियर नजर आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 10:30 बजे मैच शुरू होगा और 6:30 बजे होंगे उस वक्त लंदन में। तो 4 घंटे का जो डिफरेंस है उसमें लंदन का मौसम जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन होगी, बादल हैं बट कहीं ना कहीं बारिश की तवक्को नहीं की जा रही, बादल रहेंगे ग्राउंड में और मैच जो है इंशाल्लाह पूरे 20 ओवर्स का खेला जाएगा। वहीं पर अगर शावर्स की बात करते हैं तो स्लाइटली शावर्स एक्सपेक्टेड हैं लेकिन वो 3-4 बजे के टाइम पर हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक जिस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन है तो पाकिस्तान ने अब कम्बिनेशन देखना है कि आया के शादाब खान की जगह इब्रार अहमद को खिलाना है या फिर नसीम शाह को खिलाना है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन में ज़्यादा चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान नसीम शाह के साथ जाएगा और अपने 4 मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स के साथ जाएगा जिसमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर इस मैच में खेलेंगे। और स्पिनर की मौजूदगी का अगर एहसास आपको लेना है तो जनाब इमाद वसीम और चाचा इफ्तिखार जो है वो आपको स्पिन डिपार्टमेंट में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। ओपनर की बात करते हैं तो साइम अयूब ने खासी नेट प्रैक्टिस की है, खासी अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश की है, लेकिन इस मैच में आपको उस्मान खान खेलते हुए नजर आएंगे और उनका नंबर भी वो नंबर 1 पोजीशन पर रिजवान के साथ जो है वो ओपन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फखर जमान बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और शानदार तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उस्मान खान का इस में जाना इंडल्ज होने के लिए, उस्मान खान का इस मैच में परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन पर काफी ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं और फाइनली साइम अयूब आपको जो है वो रेस्ट करते हुए नजर आएंगे। अब बाबर आजम ने कर रहा क्या है, बाबर आजम ने एक ब्रेव डिसीजन लेना है, ब्रेव कॉल लेनी है, जो शफल करने हैं बारीकी नंबरिंग शफल करनी है उसको मैच के पॉइंट के मुताबिक, मैच की सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना है, क्योंकि अगर आप नंबर 4 पोजीशन पर फखर जमान को भेजना है तो नंबर 5 पोजीशन पर आपको इफ्तिखार अहमद या इमाद वसीम की खिदमात चाहिए हैं, आजम खान को आपने आखिरी 2 या 3 ओवर देने हैं। बाबर आजम को अब ब्रेव डिसीजन के साथ साथ अक्लमंदी भी दिखानी है, क्योंकि अगर बाबर आजम ये मैच जीते हैं तो सीरीज भी बचा लेंगे और उसके साथ साथ विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ यूएसए का सफर करेंगे और वर्ल्ड कप में एक ये अच्छा साइन होगा कि जब आप इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छा मैच जीत कर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद ये करते हैं कि बाबर आजम जो है वो 4th T20 में एक अलग ही कप्तानी करते हुए नजर आए, एक अलग ही डायमेंशन के साथ, अलग ही माइंड सेट के साथ फील्ड में उतरे। तो पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग पेज को लाइक फॉलो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों तक यूं ही वीडियोज पहुंचती रहे।